नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में गिरावट की तीन मुख्य वजहों के बारे में, किस कारण से स्टॉक मार्केट में आज बहुत बड़ा गिरावट देखने मिला। कल भी गिरावट था और आज भी गिरावट। कल पहले मार्केट ऊपर गया, फिर गिरावट हुआ और आज फिर से मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने मिली। तो क्या है इसकी मुख्य वजह? इस वीडियो में हम तीन मुख्य कारण जानेंगे जिसके कारण स्टॉक मार्केट में आपको बड़ी गिरावट देखने मिली है लगातार दो दिनों से। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें जो बुल रैली है वो मुख्य रूप से है। देख सकते हैं यहाँ पर जीजीत फाइनेंशियल सर्विस है, इनके ओर से ये रिसर्च रिपोर्ट है। आईआईज और रिटेल इन्वेस्टर जो है इंडियन स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक माइलस्टोन पर ले गया है, क्योंकि ये दोनों बुलिस है, रिटेल इन्वेस्टर और एफआईआईज दोनों काफी बुलिस हैं। अभी भी देखिए एफआईआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं, जो उनका नेट वॉल्यूम है वो बाइंग का है। वहीं डीआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जिस डाटा को हम लास्ट में जानेंगे। तो सबसे बड़ी वजह है बुल रैली का जो आपने देखा, लेकिन अभी गिरावट हो रही है। इसके पीछे है वजह सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट। आप जो देख रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट में चेंजिंग हो रहा है, तो नए न्यू पॉलिसीज आएंगे यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, हमारा जो यूनियन बजट है वो भी सामने है। तो दो चीजें सामने है, पहले तो यूएस में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन, तो नए पॉलिसीज आ सकते हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं कई कई कंपनियों को। किसी को उससे बेनिफिट हो सकता है तो किसी को उससे थोड़ी हानि हो सकती है। तो न्यू यूएस गवर्नमेंट जो आया है उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मार्केट में। तो पहला है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और दूसरा कारण है कि यूएस गवर्नमेंट चेंज हुआ है तो न्यू पॉलिसी आ सकती है, और तीसरा हमारा जो यूनियन बजट है, साथ ही जो फाइनेंशियल 2020-21 है, 20 और 21 का फाइनेंशियल ईयर है, उसका यूनियन बजट आने वाला है जो कि सामने है। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण मार्केट में गिरावट देखने पड़ी। और जो मार्केट में गिरावट लाया वो कौन है? मुख्य रूप से मेटल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। मेटल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये मुख्य मतलब सेक्टर्स थे जो कि मार्केट में गिरावट लेकर आया। उसमें से आप देख लीजिए, यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है, एशियन पेंट है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, हिंडालको इंडस्ट्री, एसबीआई, ये सब मेजर लूजर्स हैं जो कि मार्केट को गिरावट में लाया। साथ ही साथ जो मार्केट को सपोर्ट किया वो है बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, आयसर मोटर, एचयूएल और टीसीएस, ये मेजर सपोर्ट वाले स्टॉक थे जिस स्टॉक में आज भी तेजी था। वहीं ये बैंकिंग सेक्टर के और मेटल सेक्टर के स्टॉक में काफी मतलब करेक्शन देखने मिला, जिसके कारण हमारे मार्केट में बड़ी गिरावट आज देखने के लिए मिला। अगर मार्केट में गिरावट की बात करें तो आज 1.50% का नेट गिरावट है निफ्टी 50 में, और निफ्टी अपना जो है अपने ऑल टाइम हाई बनाया। यहाँ पर देखते हैं कि ऑल टाइम हाई बना 21 जनवरी को, और वहां से लगातार कल से ही गिरावट है। कल ही अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया और वहां से लगातार गिरावट इसमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस हायर लेवल पर बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। जो भी मतलब अच्छा प्रॉफिट करें वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट बुक के कारण मार्केट में दो दिन लगातार करेक्शन देखने मिला। वहीं निफ्टी बैंक में करें तो 3.17% का करेक्शन देख सकते हैं। निफ्टी बैंक काफ़ी वीक था, लेकिन जो कुछ शेयर थे ऑटो सेक्टर के, एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक ने सपोर्ट किया निफ्टी को, इसलिए निफ्टी में कम गिरावट मिला, लेकिन निफ्टी बैंक में काफ़ी गिरावट है। निफ्टी भी कल ही अपना ऑल टाइम हाई बनाया, देखते हैं 32,800 छोड़िए 32,900 का ऑल टाइम हाई बनाया कल, और वहां से निफ्टी बैंक में कल से ही वन साइडेड देख सकते हैं गिरावट है। कभी भी ये सपोर्ट लेने का भी कोई काम नहीं रहा कर रहा है, कल से लगातार गिरावट इसमें देखने मिल रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी देख सकते हैं 1.50% का गिरावट है, निफ्टी 50 में भी गिरावट था और सेंसेक्स में दोनों में सेम गिरावट है। और यहाँ पर देख लीजिए कल ही सेंसेक्स भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 50,000 से भी अबव का था, और यहाँ पर भी वन डायरेक्शन में गिरावट हो रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे सपोर्ट लेता है तो आप अपना बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, फिर अभी तक थोड़ा सा वेट करेंगे। वही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, इसमें भी गिरावट है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में थोड़ी कम गिरावट देखने मिली निफ्टी बैंक की तुलना में। निफ्टी बैंक 3% से भी ज़्यादा गिरावट, इसमें 2.60% का गिरावट, क्योंकि इसमें जो बजाज फिनसर्व है कुछ स्टॉक पॉजिटिव में खुले थे आज भी। इसका भी ऑल टाइम हाई देखिएगा तो कल ही बनाया है, ये भी स्टॉक 21 जनवरी को ही बनाया अपना ऑल टाइम हाई लगभग 16,000 के आसपास का। तो ये मेजर गिरावट की वजह थी। पहला प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट में लगातार हाईर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दूसरा, न्यू गवर्नमेंट जो आ रही है यूएस में, उसके नई पॉलिसीज आ सकती है, यूनियन बजट हमारे सामने है। मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है आने वाले समय में, उसके कारण लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, जिसके कारण आपको मार्केट में
दो दिनों से करेक्शन देखने मिल रहा है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट जहाँ सपोर्ट लेता है तो वहाँ पर आप जो बाइंग कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी अच्छा है कि जो स्टॉक के प्राइस है थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पर आपको उपलब्ध हो रहे हैं। यह FISDIS का डाटा देखें, कल का डाटा आज का डाटा अपडेट नहीं हुआ है, जिसे अपडेट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, वहाँ पर आपको हम इसका स्क्रीन शॉट लेकर के आपको दे देंगे। यहाँ पर FISDIS एक्टिविटी में देखेंगे तो कल भी जो FII है वो नेट यहाँ पर बाइंग किया है, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, दोनों ने नेट बाइंग किया है 1600 करोड़ का, मतलब 1600 करोड़ का नेट बाइंग है। जबकि इसमें जो नेट बाइंग में है बात करें तो 9000 का बाइंग हुआ था, जबकि 7400 का सेलिंग हुआ था। वहीं DIS की बात करें तो DIS लगातार सेलिंग प्रेशर में है। यहाँ पर देखें DIS की तरफ कल भी 1000 करोड़ का सेलिंग हुआ है, पहले इसमें 5000 करोड़ का बाइंग हुआ था, 6000 करोड़ का सेलिंग हुआ था, नेट सेलिंग कितना हो गया 1000 करोड़ का था। DIS लगातार सेल कर रहे हैं अपने, मतलब ऑल टाइम हाई पे लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वहीं FIIs लगातार बाइंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों जब तक इस तरह से FIIs का बाइंग आता रहेगा हमारा मार्केट बुलिश बना रहेगा। FISDIS का जो एक्टिविटी है वो आपको मंथली बाइज पर दिखाएंगे कि जो फरवरी में गिरावट स्टार्ट हुआ था उसके पीछे की वजह क्या था, FIIs का सेलिंग, FIIs बहुत लगातार सेल कर रहे थे जिसके कारण हमारे मार्केट में बड़ी गिरावट। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि मार्केट में कब गिरावट आता है, क्यों गिरावट आता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा कि मार्केट में हमारा दो दिन से क्यों लगातार गिरावट आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह का आपका सुझाव हो और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।